हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में साई बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और साई से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप साई शिक्षा में योगदान देने वाले विभिन्न संगठनों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट साई शिक्षा के विभिन्न संगठन नामक प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको साई शिक्षा और खेलों में योगदान देने वाले स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद विभिन्न संस्थाओं के बारे में पता चल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के बारे में। दोस्तों, ये जो साई है, यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा हुआ। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुआ? 25 जनवरी 1984 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हर बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो 25 जनवरी 1984 को भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा हुआ। ठीक है, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक, अब मैं बात करूंगी साई के आम सभा व कार्यकारी सभा के स्वरूप की। तो जो आम सभा होता है, जिसे जनरल बॉडी भी बोलते हैं, साई के आम सभा में 43 सदस्य होते हैं, जिसमें से 16 पदेन और 27 अनौपचारिक सदस्य होते हैं, जो विभिन्न वर्गों के तहत भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और आम सभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जैसा कि आम सभा के जो मुखिया होते हैं, जो तत्कालीन मुखिया होते हैं, वही आम सभा के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन, वही आम सभा के मुखिया होते हैं, वही आम सभा के मुखिया ही साई के आम सभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जैसा कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, एंड आम सभा वर्ष में एक बार बुलानी आवश्यक है। आम सभा वर्ष में कितनी बार बुलानी आवश्यक है? एक बार। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो यह हम पढ़े आम सभा के बारे में। अब बात करती हूँ कार्यकारी सभा, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो कार्यकारी सभा में 28 सदस्य होते हैं, इसमें 12 पदेन और 16 भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और कार्यकारी सभा के मुखिया जो है कौन होता है? मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री। कार्यकारी सभा के मुखिया कौन होते हैं? मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, एंड इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कार्यकारी सभा के साई की कार्यकारी सभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं, केंद्रीय खेल व युवा मामले और राज्य मंत्री। तो केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री इस समय कौन है? किरण रिजिजू है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन होंगे? वही होंगे। ठीक है, और कार्यकारिणी की बैठक जो है वित्त वर्ष की हर 4 माह में एक बार होनी आवश्यक है, जबकि आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार बुलानी आवश्यक है, एंड कार्यकारिणी की बैठक वित्त वर्ष की हर 4 माह में एक बार होनी आवश्यक है। तो इसमें से आप जरूर याद कर लीजिए, जैसे कि आम सभा में 43 सदस्य होते हैं तो कार्यकारिणी में 28 होते हैं। ठीक, आम सभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आम सभा के मुखिया जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, आम सभा वर्ष में एक बार बुलानी आवश्यक है। कार्यकारी सभा के मुखिया मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष केंद्रीय खेल व युवा मामले और राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, एंड साई का कार्य जो है युवाओं की प्रतिभा को निखारता है, उन्हें परिपूर्ण विकास करता है, उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, और कोचों और खिलाड़ियों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देता है। ठीक है, तो साई जो है किसके तहत कार्य करता है? साई जो है एक कार्यात्मक खंड होता है,
और इन कार्यात्मक खंडों के द्वारा साई का कार्य जो है वो संचालन होता है। तो इन कार्यात्मक खंडों के द्वारा साई अपना कार्य जो है संचालन करता है। इसमें इसके लिए एक कार्यकारी निदेशक होता है, ठीक है, जिसका कोई मुखिया होता है, ठीक है। तो यह भी साई के चार कार्यात्मक खंड यानी फंक्शनल विंग्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पहला यही बन जाता है कि साई के चार कार्यात्मक कितने कार्यात्मक खंड है, तो चार है। कौन कौन से है? तो अकादमिक शैक्षिक खंड जिसे एकेडमिक विंग कहते हैं, दूसरा है संचालन खंड ऑपरेशन विंग, तीसरा है स्टेडिया खंड स्टेडिया विंग, चौथा है टीम संचालन खंड, ठीक है। तो इन्हीं कार्यात्मक खंडों के आधार पर साई का कार्य संचालन होता है। तो पहला है अकादमिक शैक्षिक खंड यानी एकेडमिक विंग, यानी कि शैक्षिक रूप से इसमें दो संस्थान आते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला NSNIS एंड लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तिरुवनंतपुरम। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला जो है NSNIS जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। यह क्या है? एक खेलों के लिए अकादमिक खंड है, जबकि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड है। तो NSNIS जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, यह खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों यानी कोचों को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। और जैसे कि ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय स्तर के खेल जो होने वाले होते हैं उससे पहले खिलाड़ियों कोचों को यह ट्रेनिंग देता है, वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करता है, ठीक है। तो यह है NSNIS का कार्य। एंड लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान क्या है? यह शारीरिक शिक्षा में किसी को मास्टर डिग्री PhD या बैचलर डिग्री प्राप्त करनी है तो वहाँ से लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान से तिरुवनंतपुरम में जाके वो प्राप्त कर सकता है। और लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान तिरुवनंतपुरम जो है इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 1985 को, 17 अगस्त 1985। यानी कि ये लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्था जो ग्वालियर है मेन ब्रांच उसका ये सब केंद्र है, ठीक है। और ये अधिक सुविधाएं एक देश में शारीरिक शिक्षा खेलों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श संस्थान का काम करता है। यह केरल विश्वविद्यालय से संबद्ध है, ठीक है। और जो NNCP ग्वालियर है जो साई के इस अकादमिक खंड के तहत आता था का प्रशासनिक नियंत्रण जो है 2 सितंबर 1995 से साई से मुक्त हो गया और यह डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि साई NNCPE को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2 सितंबर 1995 को। अब बात करते हैं दूसरे खंड यानी कि संचालन खंड की। संचालन खंड यानी ऑपरेशन विंग जो है खेल प्रतिभाओं को खोजने व उन्हें तैयार करने में सहायक होता है, ठीक है। एंड तीसरा है स्टेडिया खंड। स्टेडिया खंड जो होता है इसमें क्या होता है कि 1982 में नई दिल्ली में आयोजित हुए 9वें एशियाई खेलों के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेडियमों का क्या किया? निर्माण किया और साई को इनके कार्य के रख रखाव का दायित्व तो सौंप दिया, ठीक है। भारत सरकार ने इन सब की स्थापना करके निर्माण करके साई को इसका कार्यभार संभालने के लिए सौंप दिया। तो इसमें से कौन कौन से स्टेडियम आते हैं? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम, ये पांचों हैं जो इसका कार्यभार जो है का संचालन जो है साई करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेडियम है जिसका कार्यभार साई संचालित करता है, ये सब पांचों हैं, ठीक है। चौथा है टीम संचालन खंड, ये खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रमंडल खेलों एशियाई खेलों जैसे ओलंपिक जैसी स्पर्धाओं के लिए दीर्घ अवधि के लिए ये प्रशिक्षण देता है, ठीक है, टीम संचालन खंड। तो ये था साई के चार कार्यात्मक खंड जिसके तहत साई जो है वो कार्य करता है इन खंडों के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि चार कार्यात्मक खंडों के नाम पूछ सकता है भले ही और न पूछे। जैसे कि इसमें अकादमिक खंड से इंपॉर्टेंट चार कार्यात्मक खंड पूछेगा तो अकादमिक खंड, संचालन खंड, स्टेडिया खंड, टीम संचालन खंड। इसमें से अकादमिक खंड वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान तिरुवनंतपुरम
है। अब बात करूंगी साई के छह केंद्र, छह क्षेत्रीय केंद्र व उसके मुख्यालय की। यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साई के छह केंद्र कौन कौन से हैं, इसलिए आपको इसे ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए या किसी भी माध्यम से याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें दक्षिणी केंद्र बंगलुरु, पूर्वी केंद्र कोलकाता, उत्तरी केंद्र चंडीगढ़, केंद्रीय केंद्र दिल्ली, पश्चिमी केंद्र गांधीनगर, उत्तर पूर्वी केंद्र इम्फाल। दोस्तों इसको याद करने में बहुत आसान है। जैसे कि दक्षिणी केंद्र, जैसे कि चार केंद्र आप याद कर लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चार केंद्र हो गया, एक केंद्रीय केंद्र हो गया, एक उत्तर पूर्वी केंद्र हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि दक्षिणी केंद्र, दक्षिणी में बंगलुरु आता है, दक्षिणी केंद्र पूर्वी केंद्र में कोलकाता, उत्तरी केंद्र में चंडीगढ़, केंद्रीय केंद्र में दिल्ली आता है तो दिल्ली, और पश्चिमी केंद्र में गांधीनगर, उत्तर पूर्वी केंद्र जो है वो इम्फाल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसके दो उप केंद्र हैं, औरंगाबाद और गुवाहाटी, ठीक है। तो इस तरह साई में जो है अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र विभाजित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ साई के बारे में। तो साई के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है स्थापित करने के, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि देश में खेलों का विकास एवं खेलों का आधार को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों विधाओं में, ठीक है, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु योजनाएं कार्यक्रम क्रियान्वित करना, जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रीय खेल हैं, उन सब जब होने वाले होते हैं तो उनके होने से पहले इन्हें प्रशिक्षित करना, ये सब साई के कार्य हैं, उद्देश्य हैं। स्टेडियमों का अनुरक्षण करना, जितना हम लोग पिछला पढ़े हैं वो सब उद्देश्य ही तो है। और उच्च क्षमता प्राप्त प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों और सारे शिक्षा अध्यापकों को तैयार करना, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे हम उच्च से उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रशिक्षित कर सके। देश में खेल अधिसंरचना एवं खेल सुविधाओं का विकास करना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों के साथ परस्पर सहयोग से देश में खेलों के प्रोन्नत विकास करना, ये सब होता है, ठीक है। एंड साई के 14 खेल उत्कृष्टता केंद्र हैं और 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र हैं, ठीक है। साई के खेल प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 56 और 14 खेल उत्कृष्टता केंद्र हैं। इसके अलावा साई के 20 विशेष खेल क्षेत्र का भी ये प्रबंध करता है। तो दोस्तों ये था साई के बारे में पूर्ण डिटेल में मैंने इसे बताया, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है उन टॉपिकों को मैंने बताया है। तो इसे 102 बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए, पूरा तो जरूर याद हो जाएगा। तो एक बार पूरा देखिए, उसके बाद देखिए कि हमको क्या क्या याद हुआ, ठीक है। उसके बाद पुनः इस पर दृष्टि डालिए क्योंकि ये साइंस जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे। यदि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक में आप कंफ्यूज हैं या डाउट है तो उसे जरूर कमेंट में बताइए, मैं उसका डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये पहुंच सके। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसके माध्यम से जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।